हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस KGG में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पसंदीदा टॉपिक, जो कि आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? जो मनाया जाता है आपको 29 जुलाई को, यानी कि आज आपका क्या है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे है। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानते हैं। आज 29 जुलाई 2010 को, क्या है, 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि क्या है, रूस का बहुत बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, और आपको पता है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन सेंट पीटर्सबर्ग से मारिसबर्ग तक जाती है, जो कि रूस में ही है, आयोजित हुई। टाइगर समिट में कई देशों ने बाघों की संख्या में तीव्र गिरावट और इसकी प्रजातियों की विलुप्त होने से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया और एक समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। कब? 29 जुलाई 2010 को। इस समिट में बाघों की आबादी वाले विभिन्न देशों ने प्रतिज्ञा की कि वे वर्ष 2022 तक इनकी आबादी को दोगुना करेंगे। क्या करेंगे? दोगुना, मतलब 2010 में अगर आबादी 400 थी तो 2022 तक में इसको 800 किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इस पहल को TX2, क्या नाम दिया, TX2, टाइगर गुना टू, मतलब टाइगर को एक संख्या कितनी करनी है, दो गुनी करनी है। वर्ष 2017 से IUCN ने दो बाघ उप प्रजातियों के मान्यता दी, जिन्हें आमतौर पर महाद्वीपीय बाघ फेंथरा टाइग्रिस, जो कि क्या है, बाघ का आपका वैज्ञानिक नाम है, क्या है, पेंथरा टाइग्रिस, ओके, और टाइग्रिसिस, और सुंडा द्वीप बाघ पेंथरा टाइग्रिस सेंडा काइका के नाम रूप में जाना जाता है। सभी द्वीपीय बाघ केवल सुमात्रा में पाए जाते हैं। ये जो द्वीपीय बाघ है सुंडा द्वीप, ये कहाँ पाया जाता है, सुमात्रा द्वीप में पाया जाता है, ठीक है ना, इंडोनेशिया में। जावा और बाली के बाघ विलुप्त हो चुके हैं। जावा और बाली, जो कि इंडोनेशिया के दो प्रमुख द्वीप हैं, उनके बाघ क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इन्हें सुमांतरण बाघ के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपीय बाघों में वर्तमान में बंगाल, मलायन, इंडो चाइनीज और अमूर साइबेरियन बाघ शामिल हैं, जबकि कैस्पियन बाघ क्या हो चुके हैं, कैस्पियन सागर के पास, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा झील है, वहां के बाघ क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। दक्षिण चीनी बाघ को भी कार्यात्मक रूप से विलुप्त माना जा चुका है, मतलब कार्यात्मक रूप से दक्षिण चीन, तो क्या है, ये भी विलुप्त माने जा चुके हैं। तो आपको इसमें क्या मिला दोस्तों, इस स्लाइड में, कि सबसे पहले बाघ दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो 2010 से। लक्ष्य क्या रखा गया था, तो लक्ष्य रखा गया था 2022 तक आपको बाघों की संख्या को दोगुना करना है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंथ्रा टाइग्रिस। दो प्रजातियों में विभाजित किया गया था, एक प्रजाति जो कि सुंडा द्वीप बाघ है, ये लगभग क्या है, विलुप्त हो चुका है और सिर्फ एक प्रायद्वीप पर है। किस पे, सुंडा प्रायद्वीप पे, ओके, इंडोनेशिया का। और जावा बाघ सब विलुप्त हो चुका है। कैस्पियन सागर टाइगर भी क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका, आगे क्या है, बंगाली बाघ मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। बंगाली बाघ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में, और आपको पता है भारत में कहाँ, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, जिसकी कुछ आबादी का निवास स्थान बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में भी है। भारत और इसका राष्ट्रीय पशु, भारत क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में, भारत ने कब से प्रयास शुरू कर दिया था, 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। बाघों के संरक्षण के लिए देश में टाइगर रिजर्व की व्यवस्था की गई, जिसकी संख्या वर्तमान में क्या है, 53 है। कितनी है, 53। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है, किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, ओके, जो बाघ आबादी वाले राज्यों को नामित टाइगर रिजर्व में बाघ के संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता क्या करती है, प्रदान करती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक क्या है, वैधानिक निकाय है। क्या है, वैधानिक निकाय है, जो बाघों के संरक्षण पर कार्य करता है। इसका गठन कब किया गया साथियों, 2006 में, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने से 4 साल पहले, ठीक, में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया।
जो बाघ संरक्षण को क्या करता है, मजबूत करने के लिए कार्यरत है। ओके, क्या है जो बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए वर्तमान में कार्यरत है। आइए बाघों से जुड़े अन्य तत्व, सबसे पहले बाघों की वर्तमान IUCN स्थिति क्या है, संकट प्रण, मतलब आपका क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति में कौन आते हैं, बाघ। विलुप्त नहीं हुए हैं पूर्ण रूप से, लेकिन संकटग्रस्त, इनके संरक्षण की आवश्यकता है। बाघों का निवास स्थान उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कहाँ है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैग्रोव दलदल, जैसे सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपका क्या है, मैग्रोव दलदल ही है। घास और सवाना का मैदान है, सवाना कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। बाघ शिकार के लिए गंध की बजाय मुख्य रूप से दृष्टि और ध्वनि पर भरोसा करते हैं, मतलब और जीव जैसे क्या करता है, गंध सूंघ के शिकार करता है, बाघ वैसा नहीं करता। बाघ क्या करता है, मुख्य रूप से दृष्टि और ध्वनि पर भरोसा करता है। वे आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं, और बाघ अकेले शिकार करता है, झुंड में नहीं शिकार करता है। एक बाघ एक बार में लगभग कितना, 80 पाउंड से अधिक मांस खा सकता है। बाघ औसतन हर 2 साल में 2 से 4 शावकों को कैद करता है, जन्म देता है। बाघों की हालिया स्थिति, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 के आकलन के बाद से बाघों की आबादी 40% वृद्धि हुई। कितना वृद्धि करना था मित्रों, 100%, अभी तक वृद्धि कितना हुआ, 40% वृद्धि हुई। नए आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में दुनिया भर में 3,726 से 5,578 बाघ हैं। ओके, कितना है वर्तमान में, 5, और इसमें से ज्यादातर बाघ आपके कहाँ है, इंडिया में है। और आपको पता है मित्रों, इंडिया ने 52 बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित कर रखा है, जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ है आपके, बिहार में है। तो ये सभी कुछ बाघ के आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आपको कैसा लगा, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, चलिए, तो क्या करना है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा तो